मध्य प्रदेश सरकार ने प्राइवेट बसों के किराए में 25% की वृद्धि कर दी है। इस संबंध में परिवहन विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके मुताबिक बस का न्यूनतम किराया 7 रुपये तक तय किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से किराया तय होगा। इसके अलावा लग्जरी बसों के किराए में 25 से 75% तक की वृद्धि तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी बसों जैसे डिलक्स, नॉन एसी, स्लीपर डिलक्स और सुपर लग्जरी कोच के तय किए गए किराए में रात्रि प्रभार यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा। रात्रि प्रभार सिर्फ सामान्य बस ऑपरेटर ही ले सकेंगे। बता दें, इससे पहले सरकार ने 28 मई 2018 को बस का किराया 1 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया था, लेकिन अब इसे 1.25 रुपये किया गया है। मध्य प्रदेश प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन पिछले एक साल से किराया बढ़ाने की मांग कर रहा था। इसके लिए एसोसिएशन ने कोरोना महामारी का हवाला दिया था। उनका कहना था कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण बसों का संचालन पूरी तरह से बंद रहा और इस साल मार्च से सरकार ने फिर महाराष्ट्र आने जाने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद प्रदेश के कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया, ऐसे में बसों का संचालन मुश्किल हो रहा था। इस बीच डीजल के दाम भी बढ़ने के कारण लागत भी नहीं निकल पा रही थी। तेज न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।